नालंदा इंटर स्कूल एग्रीकल्चर एग्जीबिशन प्रतियोगिता का आयोजन बिहार शरीफ के आईएमए हॉल में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ एसडीएम मुकुल पंकज मणि, कृषि पदाधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस प्रतियोगिता में कई तरह के एग्रीकल्चर प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर, ड्रोन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, एक्वा कल्चर, एपिकल्चर, सोलर ग्रीन हाउस, टेरेस गार्डनिंग वगैरह शामिल है। इस कार्यक्रम में कुल 11 टीमों ने हिस्सा लिया। आरपीएस मकनपुर के 2 टीम, आरपीएस कचहरी के 2 टीम, संत जेवियर्स गर्ल्स स्कूल के 2 टीम, गुरुकुल इंटरनेशनल के 2 टीम, सेंट जोसेफ अकेडमी के 2 टीम और बिहार सेंट्रल स्कूल के 1 टीम शामिल थे। इस मौके पर आए हुए अतिथि नव एग्री इंडिया के फॉर्म मैनेजर अजित कुमार और संजीत कुमार, जज के तौर पर आए हुए संजीव कुमार, सहायक प्रोफेसर कृषि विभाग प्रमुख के विश्वविद्यालय, गौरव कुमार सहायक प्रोफेसर के यूनिवर्सिटी के मौजूद थे। वहीं जज के द्वारा निर्णायक परिणाम के अनुसार संत जोसेफ एकेडमी टीम ए ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, संत जोसेफ एकेडमी टीम बी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और आरपीएस मकनपुर टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान अतिथियों द्वारा सभी विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक अनुराग कपूर ने कहा कि कृषि में बहुत अच्छा स्कोप है और इसमें बहुत कुछ है। इस परियोजना के प्रमुख मनीष कुमार और टीम के सदस्य हर्षवर्धन, रोशन चौरसिया, इसके महत्वपूर्ण सहयोग नव एग्री इंडिया के निदेशक नवनीत, निदेशक ब्रजेश जमीनी स्तर पर कृषि का समर्थन था। कार्यक्रम में संत जेवियर गर्ल्स स्कूल के निदेशक पंकज कुमार, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के कुणाल कुमार, आरपीएस स्कूल से करण कुमार समेत अभिभावक व छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज जैसा कि नालंदा इंटर स्कूल एग्रीकल्चर एग्जीबिशन कंपटीशन और एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इसके तहत AIDP एग्री आइडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम नव एग्री बिहार साथ में ग्रास रूट एग्री देहरादून, इन लोग के सहयोग से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग यह कार्यक्रम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आज हम लोग हर किसी को देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग, UPSC जैसे कई अन्य फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूँ कि कृषि भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अपनी उन्नति को आगे बढ़ा सकते हैं। आज किसान एक ऐसा इंसान है जो दिन रात मेहनत करता है, उनके उपजाऊ के कारण ही हम लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं एज ए फूड। तो कई ऐसे चीज़ हैं, साथ में साथ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके कारण हम लोग कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो स्टॉल्स लगा उसमें पार्टिसिपेट किए हुए स्कूल संत जोसेफ, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, बिहार सेंट्रल, संत जेवियर गर्ल्स स्कूल, RPS कचहरी और RPS मकनपुर के इस एग्जीबिशन में बहुत सारे विद्यालयों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और यह देख करके बहुत खुशी होती है कि बच्चों में ये जागरूकता और उत्सुकता है कृषि को लेकर के, नए नए तरीकों को लेकर के। उन्हें जो एग्जीबिशन लगाया है और उनके बारे में उनको काफ़ी अच्छे से जानकारी है और साथ साथ हमारे सरकार का भी ये विजन है कि कृषि में हम नए से नए तकनीक को इस्तेमाल करें और हमारे पर्यावरण को बचाते हुए हम एग्रीकल्चर में क्या गुणवत्ता उसकी बढ़ा सकते हैं, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा सकते हैं। तो हमारे सरकार की योजनाओं के साथ भी इसका खूब समन्वयन है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, जल जीवन हरियाली के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का ये महत्वाकांक्षी योजना भी रहा है। तो यह देख करके बहुत खुशी होती है कि लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया है और बहुत ही उत्सुकता के साथ इसको लोगों में अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। बच्चे ये आने वाले भविष्य हैं और इनका यह हर्ष देख करके, इनका ये तैयारी देख करके और इनकी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल ये जो कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैं इन लोगों को अपने सारे जो है शुभकामनाएं भी देता हूं और साथ ही सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके इस्तेमाल करें, उसके साथ समन्वय करें और कदम से कदम मिलाते हुए समाज के लिए जो भी अच्छा कर सकें वो इनसे उम्मीद भी रहेगी। तो थैंक यू।